परिषद हिमाचल प्रांत में आगामी 15 दिनों में 1.5 लाख हिंदुओं को हित चिंतन अभियान के माध्यम से जोड़ने के लिए संपर्क करेगा। विहिप के केंद्रीय सहमंत्री एवं अखिल भारतीय प्रचार प्रसार मुख्य विजय शंकर तिवारी ने शिमला में पत्रकार वार्ता में बताया कि हिंदू परिषद को कार्य करते हुए 58 वर्ष हो गए हैं, जिसमें कई आंदोलन अभियान तथा सृजनात्मक कार्य उन्होंने हाथ में लिए। प्रत्येक 3 वर्ष में विश्व हिंदू परिषद अपना हित चिंतक अभियान प्रारंभ करता है और वो 15-20 दिन का एक अभियान होता है और अधिक से अधिक लोगों को परिषद से जोड़ने का ये अभियान चलता है। 58 वर्ष पहले विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी और तब से आज तक बड़े व्याप में विश्व हिंदू परिषद खड़ा हो गया है, क्योंकि उसके साथ समाज के लोग जुड़े हैं, बड़े बड़े अभियान लिए हैं और पूरे भी किए हैं। तो इस बार ये अभियान पूरे देश में 6 नवंबर से 20 नवंबर तक का है। कल उसका समारोह हो जाएगा, लेकिन चूंकि चुनाव थे हिमाचल में इसलिए टाला गया और वो कल यानी 20 तारीख से 6 दिसंबर तक ये अभियान रहेगा पूरे देश में। तो हमने एक टारगेट, प्रत्येक 3 वर्ष में विश्व हिंदू परिषद अपना हित चिंतक अभियान प्रारंभ करता है और वो 15-20 दिन का एक अभियान होता है और अधिक से अधिक लोगों को परिषद से जोड़ने का ये अभियान चलता है। 58 वर्ष पहले विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी और तब से आज तक बड़े व्याप में विश्व हिंदू परिषद खड़ा हो गया है, क्योंकि उसके साथ समाज के लोग जुड़े हैं, बड़े बड़े अभियान लिए हैं और पूरे भी किए हैं। तो इस बार ये अभियान पूरे देश में 6 नवंबर से 20 नवंबर तक का है। कल उसका समारोह हो जाएगा, लेकिन चूंकि चुनाव थे हिमाचल में इसलिए टाला गया। पूरी तथ्यात्मक जानकारी नहीं है कि वो उस लड़की को कारपोरेट सेक्टर में काल गर्म के रूप में प्रयोग करना चाहता था, ऐसा सोशल मीडिया मैंने पढ़ा। कितनी सत्यता है मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो था जिसको श्रद्धा ने मना किया होगा और उसको काट दिया गया। केवल श्रद्धा के लिए नहीं है, अंकिता ने झारखंड की मना किया कि मैं प्रेम नहीं करूंगी तो उसको जला के मार दिया। निकिता फरीदाबाद की, उसने प्रेम करने से लिए मना किया तो उसको गोली मार दी। दिल्ली में इसी प्रकार मनीषा और इस प्रकार की घटनाएं हुई जिनको मार दिया गया। यानी आप किसी मुस्लिम से प्रेम करने के लिए मना करेंगे तो भी मार दिए जाओगे, और अगर आप प्रेम कर लेते हैं धर्मांतरित होने के लिए मना करोगे तो भी मार दिए जाओगे। ऐसा नहीं कि हिंदू समाज सबल नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि हमें ऐसे संस्कार और ऐसे अपने घर में ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए कि लड़कियां वहां न जाएं, और अगर जाएंगी तो हिंदू समाज उनसे निपटने में सक्षम है और उसने कई बार दिखा दिया है कि अति सर्वत्र वर्जयते। मैं ऐसे तत्वों को ये चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि अति सर्वत्र। एस्टा न्यूज़ के लिए शिमला से चमन शर्मा की रिपोर्ट। जब प्रतिक्रिया होगी तो आप सभी